1 जुलाई से खोली जाएगी चार धाम यात्रा। पहले चरण में स्थानीय लोग ही कर सकेंगे दर्शन। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के लोग कर पाएंगे दर्शन। 11 जुलाई से उत्तराखंड के सभी लोग कर सकेंगे यात्रा। उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। इस बार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। कर्फ्यू के दौरान शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। देवभूमि में 50% क्षमता के साथ प्राइवेट संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे। 29 जून तक पहले की तरह जारी रहेंगी जरूरी सेवाएं। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को अब RT-PCR के साथ एंटीजन टेस्ट से भी मिलेगी एंट्री। दूसरे राज्यों से आने वाले लोग के लिए लागू होगा नियम। एंटीजन रिपोर्ट के साथ भी राज्य में एंट्री मिलेगी। कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4,00,000 रुपए मुआवजा देने में केंद्र सरकार ने जताई असमर्थता। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया, अगर राज्यों को 4,00,000 रुपए के भुगतान का निर्देश दिया गया तो उनका पूरा फंड खत्म हो जाएगा। देश में 81 दिन बाद 60,000 से कम कोरोना के सामने आए। पिछले 24 घंटों में 58,419 नए मामले रिपोर्ट। 1,576 संक्रमितों की जान गई। बीते दिन 87,619 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। 30,776 एक्टिव केस हुए कम। 19 जून तक देश भर में 27,66,93,000 वैक्सीन की डोज दी गई। बीते दिन 38,10,000 टीके लगाए गए। 24 घंटे में 18,11,000 कोरोना जांच हुई। अब तक 39,10,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग। देश में कोरोना के टोटल केस हैं 2,98,81,965। 2,87,66,000 लोग कोरोना को मात देकर हो चुके ठीक। एक्टिव केस की संख्या हुई 7,29,000। 3,86,713 लोग गंवा चुके जान। यूपी में लगातार गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों में 251 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या पहुंची 4,569। एक दिन में 2,63,769 टेस्ट हुए। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। SDM बुढ़ाना ने एक्टर से मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए कहा था। मेरी खास तौर से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के लोगों से अपील है कि वो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका जरूर लगवाएं और ये टीका सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ये काम कर रही है। ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है और कोरोना से बचने के लिए पूर्णतः सक्षम है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, जनता ने भाजपा को नकारा तो अब प्रशासनिक अधिकारी लड़ रहे हैं बीजेपी के लिए चुनाव। मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है कि वही चुनाव लड़े। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी। राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती करने पर विचार करना शुरू। बाकी राज्यों में लागू कानूनों के साथ कई बिंदुओं पर मंथन। जल्द यूपी सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगा राज्य विधि आयोग। 29 और 30 जून को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बीएल संतोष के लखनऊ दौरे के बाद होगी बैठक। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की नई व्यवस्था लागू। स्मार्ट मीटर वालों के ऑनलाइन कनेक्शन काटने के आदेश। 1,000 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं भरने पर कटेगी बिजली। दोबारा बिजली चालू कराने के लिए 100 रुपए का फाइन देना होगा। आज से प्रदेश में खुले बोरवेल की जांच के लिए अभियान। 30 जून तक बोरवेल की जांच का चलेगा अभियान। इसके बाद खुले बोरवेल को बंद कराने का काम किया जाएगा। अंबेडकर नगर में दशकों पुराना मझुई नदी पर बना शाही पुल टूटा। लाखों की आबादी का आवागमन हुआ ठप। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवागमन पर लगाई रोक। दोस्तपुर से अंबेडकर नगर को जोड़ता था शाही पुल। टिहरी में चंबा शहर से नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग को जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा जमींदोज हो गया। अभी सुरंग का विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ था। फिलहाल सुरंग को जोड़ने वाली रोड को बंद कर दिया गया है। बागेश्वर में लगातार बारिश के चलते सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग नदियों के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। बारिश के कारण कई घरों में दरारें भी आ गईं। जोशीमठ में हाथी पहाड़ में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब है। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से सड़क का कई मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया।
ऑल वेदर रोड की दीवार भी अलकनंदा नदी के कटाव को नहीं रोक सकी। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में बाढ़ के हालात, घरों में घुसा कई फीट तक पानी, लोगों से की जा रही है ऊंची जगह पर जाने की अपील। कन्नौज में आदर्श कोतवाली तिरवा मानसून की पहली बारिश में तालाब बन गए, पुलिस कर्मियों के साथ साथ फरियादियों को काफी दिक्कत हो रही है। अंबेडकर नगर में भारी बारिश से छप्पर गिरने से 3 बहनें दब गईं, जिसमें 6 साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गईं। ये मामला महरुआ थाना क्षेत्र के तोकला पूर्वे का है, तीनों बहनें छप्पर के नीचे सो रही थी। रुड़की के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी लेखपालों को अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के साथ साथ अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, चौकी टीम भी सतर्क। ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर में आई कमी, देर रात से गंगा का जलस्तर कुछ कम हुआ, लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर फिर से बढ़ने की आशंका। बिजनौर में पशुओं के लिए चारा लेने गए 6 लोग गंगा में फंसे, SDRF और PAC की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लगातार बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में आई दिक्कत, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। रामपुर में बारिश के बाद नालों में जल भराव, कब्रिस्तान में पानी भरने की वजह से शव कब्रों से बाहर निकलकर पानी में तैरते नजर आए। बिजनौर में गंगा किनारे बसे सरकारी प्राथमिक के 2 स्कूलों में पानी घुस गया, स्कूल में तकरीबन 2-2 फीट तक पानी पहुंच चुका है। नैनीताल में एक घर के ऊपर बड़ा बोल्डर गिर गया जिससे घर के लैंटर में छेद हो गया और बोल्डर अंदर घुस गया, घर में रह रहे 3 परिवारों को दूसरी जगह आश्रय लेना पड़ा। बहराइच में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है, यहां ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया, दर्जनों गांव पानी से घिर चुके हैं। बाराबंकी से गुजरने वाली सरयू नदी अब डराने लगी, आलम यह है कि हर घंटे लगभग 2 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है जिसकी वजह से नदी के तटवर्ती गांवों के पास कटान शुरू हो गया। शारदा बनबसा बैराज से 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है, सैकड़ों एकड़ जमीन कटान करने लगी है। पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों घरों में पानी भर गया, जिला प्रशासन के दावे सारे फेल साबित हो रहे हैं। पीलीभीत की पुरनपुर तहसील में शारदा नदी किनारे बसे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी, नदी के जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग के कराए जा रहे काम भी बंद करा दिए गए। बस्ती में सड़कों से लेकर गली मोहल्लों और घरों में पहुंचा बरसात का पानी, कुछ दबंगों ने सड़क पर पानी के जाने का रास्ता बंद कर दिया, दबंगों की कारस्तानी से एक परिवार परेशान। गाजीपुर में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, उनकी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, क्रय केंद्र पर गेहूं भीग गया, अब किसानों ने DM से मदद की गुहार लगाई, DM ने इन लोगों को मदद का भरोसा दिया है। गंगा दशहरा संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, इस मौके पर संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, लोग आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना और दान पुण्य कर रहे हैं। संगम पर सुबह से ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी, लोगों को रोकने या समझाने के लिए सरकारी अमला पूरी तरह से नदारद रहा, तमाम लोग बिना मास्क के ही घाटों पर घूमते नजर आए। मथुरा वृंदावन मार्ग पर धर्मकांटे पर निकला अजगर, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना, वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 8 फीट लंबे अजगर को पकड़ा। अमरोहा में पुलिस की पाबंदी के बीच श्रद्धालु गंगा तिगरी घाट पहुंचे, सुबह सवेरे से ही घाट पर कर रहे हैं स्नान, सैकड़ों की संख्या में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर हर की पौड़ी क्षेत्र को पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से सील किया हुआ है, श्रद्धालु आसपास के घाटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं, हर की पैड़ी क्षेत्र पर बहुत कम संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। गंगा दशहरा के साथ ही आज वीकेंड लॉकडाउन भी है, लिहाजा काशी में घाट किनारे प्रशासन चुस्त है, किसी को भी गंगा स्नान की अनुमति नहीं है। आगरा के चंबल नदी घाट पर गंगा दशहरा पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना की, इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने ख्याल नहीं रखा।
बिजनौर में टायर बनाने की फैक्ट्री में 3 दिन पहले हुए ब्लास्ट में एक कर्मचारी की इलाज के दौरान हुई मौत। 2 कर्मचारियों का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। कानपुर के घाटमपुर में बारातियों से भरी वैन और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद वैन के उड़े पर खर्चे। हादसे में 8 लोग बुरी तरह से जख्मी। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। मिर्जापुर से चंदौली पिकनिक मनाने आना, 4 दोस्तों को भारी पड़ गया। लतीफ शाह बांध में नहा रहे एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 को सकुशल बचा लिया गया। बदायूं में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। नहाते वक्त नदी में डूबने से हुआ हादसा। घर से मवेशी चराने गए थे 3 बच्चे। इस्लामनगर के कुंवरपुर गांव का मामला। कौशाम्बी में फादर्स डे पर कलयुगी बेटों ने किया पिता का मर्डर। पैसों के बंटवारे को लेकर पिता को कमरे में बंद कर लोहे के रॉड से पीट पीट कर मार डाला। आरोपी बेटों ने थाने पहुंचकर पुलिस को दी जानकारी। रायबरेली के हरचंदपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच बवाल। विवादित जमीन की नाप को लेकर हुआ हंगामा। ग्रामीणों के चकबंदी से मना करने पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। उग्र ग्रामीणों ने भी लाठी डंडों से पुलिस पर हमला बोला। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ डाली। एसडीएम ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया। झांसी के चिरगांव में शादी समारोह में युवक ने की हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शामली में मेडिकल स्टोर संचालक ने डॉक्टर की हत्या कर दी। हत्या के बाद डॉक्टर के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पानीपत खटीमा हाईवे मार्ग पर जाम लगा दिया। पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का अधिकारियों पर गुस्सा निकला। बैठक में अवैध वसूली को लेकर सतपाल महाराज ने अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। कहा, मैं किसी भी ट्रक में बैठकर छापा मार सकता हूं, लेकिन ये काम आपका है। ये क्या हो रहा है? ये तो आपको देखना चाहिए, आपका काम है, आपको पैसा मिला हुआ है ना, आप खर्च कर रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। अमरोहा के कोयला आर्टिस्ट के नाम से मशहूर जोहेब खान ने मिल्खा सिंह को दी श्रद्धांजलि। दीवार पर कोयले से फ्लाइंग सिख की 6 फीट की तस्वीर बनाई और लिखा, अलविदा मिल्खा। मथुरा वृंदावन मार्ग पर धर्मकांटे पर निकला अजगर। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 8 फीट लंबे अजगर को पकड़ा। बलिया में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बसपा से इस्तीफा देने के कारणों का खुलासा किया। अंबिका चौधरी ने इस्तीफा देने के 2 कारण बताए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनकी कोई उपयोगिता नहीं समझी। लखनऊ में हुई बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और सीएम योगी रहे बैठक में मौजूद। बीएल संतोष के दौरे समेत कई मुद्दों पर मीटिंग में हुई चर्चा। अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद मामले पर नया विवाद सामने आया। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने 20 लाख की जमीन खरीद कर ट्रस्ट को यही जमीन 2 करोड़ 50 लाख में बेच दी। राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदों पर लगातार उठ रहे सवाल। ललितपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार आखिर जांच से क्यों भाग रही है। अयोध्या के निजी जमीन को खरीद कर ट्रस्ट को देने का काम करते हैं। पूरी तरह यह साबित है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। गोरखपुर में कोरोना के खौफ के बीच यूनिवर्सिटी में नए सत्र की शुरुआत की बैठक बुलाने से शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों में डर बैठ गया। इनका डर सोशल मीडिया पर भी छलक उठा। मेरठ में सिवाया टोल प्लाजा पर किसानों के धरनास्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत बोले, सरकार को किसान सबक सिखाएंगे, ये बंदूक की ताकत पर राज करना चाहते हैं। दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। गूगल की ओर से फादर्स डे पर बनाए गए डूडल में पिता के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना दिखाई दे रही है। कश्मीर में चुनाव की आहट से बौखलाया पाक। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा, भारत के किसी भी कदम का करेंगे विरोध। भारत को कश्मीर में कोई और अवैध कदम उठाने से अब बचना चाहिए।
ईरान में सत्ता परिवर्तन होते ही नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम रायसी ने सऊदी अरब को भेजा दोस्ती का पैगाम। ईरान ने अपने राजदूत को फिर से रियाद भेजने की घोषणा की, हालांकि सऊदी ने इसके लिए औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। डीजल की कीमत अधिकतम 30 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल के दाम 26 से 29 पैसे तक बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 22 पैसे जबकि डीजल 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गया। जापान में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ओलंपिक खेलों का आयोजन। जापान सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों और स्टाफ पर बेहद कड़े नियम लागू किए। रवानगी से एक हफ्ते पहले हर दिन कोरोना टेस्ट होगा। 3 दिन दूसरे देश के खिलाड़ियों से मिलने की इजाजत नहीं। श्वेता तिवारी ने हाल ही में एक्टर विशाल आदित्य सिंह संग हैप्पी डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, हाँ हाँ ये हमारा हैप्पी डांस है, सवाल ये है कि हम क्यों खुश हैं? कोई अंदाजा लगाएगा? इसके जवाब में यूजर्स ने कहा, क्या तीसरी शादी होने वाली है? टीना दत्ता ने हाल ही में अपना एक बोल्ड फोटो शूट करवाया था, जिसे लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। उनकी फोटो पर यूजर ने भद्दे कमेंट भी किए। अब इस मामले पर टीना का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने ट्रोल करने वालों को वार्निंग देते हुए कहा कि अपनी लिमिट क्रॉस की तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ पवन वीडियो शूट और अपलोड करने के मामले में फरवरी के महीने में जेल गई थी। अब करीब 5 महीने बाद उन्हें बेल मिल गई है। मुंबई के गोरेगांव के सेशंस कोर्ट से गहना को पोर्नोग्राफी से संबंधित मामले में जमानत मिली है। करीना कपूर खान ने हाल ही में एक छोटी पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में उनकी दोस्तों मलाइका अरोड़ा खान और उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर और उनकी बहन अमृता अरोड़ा शामिल हुए। अमृता अरोड़ा को करीना के घर जाते स्पॉट किया गया। इस दौरान वो काले रंग की बेहद खूबसूरत ड्रेस में नजर आईं। करीना की पार्टी में अर्जुन और मलाइका एक साथ एक ही गाड़ी में पहुंचे थे और पार्टी के बाद एक साथ रवाना हुए। सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इस दौरान अर्जुन कपूर पल पल मलाइका का ध्यान रखते नजर आए। श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर ने अपनी लेटेस्ट फोटोज से इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। उन्होंने पर्पल बिकनी में तस्वीरें शेयर की हैं। इस पर उनके फ्रेंड्स और फैंस तारीफों के पुल बांध रहे हैं। खुशी की ये ग्लैमरस फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो। लारा दत्ता से एक ट्विटर यूजर ने पूछा, क्या उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन ले ली है? जवाब में लारा दत्ता ने कहा, हाँ मैंने कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन नहीं लगवाई। एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने यह कबूल किया कि लंबे समय से वो अपने पति साहिल सहगल संग रिश्ता खत्म करना चाहती थी। अब अपने इस फैसले के बाद वो बेहतर स्पेस में है। वो ये मानते हैं कि शादी खत्म करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है, ये शादी करने के फैसले से भी ज्यादा कठिन था। आलिया के अभिनय के साथ साथ लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने हैं। आलिया अपने नो मेकअप लुक के लिए काफी पसंद की जाती हैं। आलिया के नेचुरल लुक के कारण लोग अक्सर उनसे उनका ब्यूटी सीक्रेट जानना चाहते हैं। आलिया का कहना है कि त्वचा की देखभाल के लिए वो घरेलू नुस्खों पर ही ज्यादा विश्वास करती हैं। इंटरनेशनल सिंगर ब्रिटनी स्पियर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में फैंस के सवालों के जवाब देते हुए स्टेज पर दोबारा परफॉर्म करने को लेकर बातचीत की। रिपोर्ट्स की माने तो आखिरी बार 2018 में सार्वजनिक तौर पर परफॉर्म करने वाली 39 वर्षीय ब्रिटनी ने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, फिलहाल मजे कर रही हूँ, जीवन का आनंद ले रही हूँ। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी को 25 साल पूरे हुए, जिस पर अक्षय ने ये बड़ा राज खोला। अक्षय कुमार ने बताया कि फिल्म में उन्होंने असली अंडरटेकर से फाइट नहीं की थी। हालांकि अब असली अंडरटेकर ने अक्षय कुमार को फाइट का न्योता दिया है, जिस पर अभिनेता ने मजेदार जवाब दिया।